जब आपके पास बहुत डिफिकल्ट काम एक साथ आता है तब आपका रिएक्शन क्या होता है? आप तुरंत काम शुरू करते हो या फ्रीज हो जाते हो ये सोच के कि कहाँ से शुरू करें? ज्यादातर लोगों को स्ट्रेस होने लगता है और वो पैनिक होते हैं और ऐसे ही काफी सारा टाइम निकल जाता है और टास्क इनकम्प्लीट रह जाता है। यही सिचुएशन अवॉइड करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी टेक्निक काम आती है जिसका नाम है स्विस चीज मेथड, जो डॉक्टर जेम्स रीजन ने इन्वेंट की है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अदिति, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस मेथड के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपको जो टास्क दिया है वो कहां से शुरू करें या उसे कैसे प्लान करें या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे वक्त स्विस चीज मेथड बहुत काम आती है। इसमें आप टास्क के कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कीजिए एंड एक्शन लीजिए विदाउट थिंकिंग कि ये सही है या नहीं। ऐसे करते करते आपको समझ में आ जाता है कि सीक्वेंशियली अगला पॉइंट कौन सा पिक करना है और इसी तरह आपका टास्क सही डायरेक्शन में खत्म होता है। आप सोचते होंगे कि इसे स्विस चीज मेथड क्यों कहा जाता है। कंसिडर कीजिए कि आपका टास्क एक स्विस चीज क्यूब है और रैंडम पॉइंट्स में जो आप काम कर रहे हो, मतलब उस चीज में छोटे छोटे बाइट्स ले रहे हो। ये करते करते आपका पूरा चीज खत्म हो जाता है, यानी कि आपका टास्क भी पूरा हो जाता है और यही रीजन है कि इस मेथड को स्विस चीज मेथड कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये मेथड को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। छोटे छोटे बाइट्स ही स्टेप्स होते हैं जो आपको आपके टास्क का प्रोग्रेस बताते हैं। सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है कि आपका टास्क बहुत कंफ्यूजिंग है, इसका प्लानिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो भी टास्क है आपको वो कंप्लीट करना ही है। उसके बाद आपको टास्क को प्रॉपरली समझ के लेना है। फिर आप उस टास्क का कोई भी एक पॉइंट पिक कीजिए और जस्ट काम करना शुरू कीजिए। जैसे ही वो खत्म हो जाता है, पिक सम अनदर पॉइंट और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। ऐसे ही आपको धीरे धीरे अलग अलग पॉइंट्स चूज करने हैं और काम शुरू रखना है। जैसे ही आप प्रोग्रेस करते हो, आपको अपने आप पता चल जाता है कि नेक्स्ट पॉइंट आपको कौन सा पिक करना पड़ेगा, जिसके वजह से आप सीक्वेंशियली एक प्रॉपर डायरेक्शन फॉलो करते हो जिससे आपका टास्क कंप्लीट होता है। ये टेक्निक उस टाइम पे जरूर काम आती है जब आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि आपको कहाँ से शुरू करना है ये पता ही नहीं होता। इस मेथड का मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए कि आपको नया ब्लॉग पोस्ट लिखना है। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, जैसे कि ब्लॉग का आउटलाइन, राइटिंग, एडिटिंग, रेफरेंसेस एक्सेट्रा, बट स्टार्ट कहाँ से करें ये आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि दिमाग में उस वक्त बहुत सारे थॉट्स होते हैं। तो ज़्यादा सोच के पैनिक होने से बेटर है कि आप बस काम करना स्टार्ट कीजिए। जैसे आपको अगर लगे कि सबसे पहले आप रिसर्च करना चाहते हो तो उस पर काम कीजिए। जैसे ही आपका रिसर्च खत्म हो जाता है तो अगला पॉइंट पिक कीजिए, जैसे कि मुझे सिनॉप्सिस लिखना है या फिर ब्लॉग का आउटलाइन लिखना है वगैरह वगैरह। ऐसे ही आपको अगले पॉइंट्स पिक करने हैं। कुछ टाइम बाद आपको खुद को ही समझ में आएगा कि अगला पॉइंट कौन सा लेना है। धीरे धीरे आपका पूरा ब्लॉग पोस्ट रेडी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं ये मेथड के स्ट्रेटजीज क्या है। सबसे पहले तो याद रखिए कि ये मेथड आपको उसी टास्क के लिए यूज करना है जिसको प्लान करना बहुत डिफिकल्ट है या आप उस टास्क को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हो। आपके जो भी रेगुलर टास्क रहेंगे या जो इजी टास्क रहेंगे उनको आपको प्लान करके ही एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको प्लानिंग कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आइजनोवर मैट्रिक्स। इसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे जरूर देखिए। आपके जो भी अनप्लान या कंफ्यूज टास्क है उन्हें कंप्लीट करने के लिए आपको स्पेसिफिक टाइम अलॉट नहीं करना है। आइडिया इस मेथड का यही है कि आपको बस शुरुआत करनी है। शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हो। एक एक स्टेप आपको बस आगे बढ़ते रहना है। इससे आप पैनिक करना भी बंद हो जाते हो और टास्क की तरफ आपका प्रोग्रेस भी बढ़ जाता है। एंड लास्टली हम देखेंगे इस मेथड के बेनिफिट्स क्या हैं। जब भी आप ऐसे कंफ्यूज स्टेट में होते हो कि टास्क कहाँ से शुरू कर रहे पता नहीं होता है, तो उसमें बहुत वक्त ऐसे ही चला जाता है। इससे बेटर है कि आप एटलीस्ट इस मेथड के वजह से टास्क शुरू करते हो।
कुछ एक्शन लेते हो और इसी के वजह से टास्क में प्रोग्रेस होता है। इसमें आप एक के बाद एक कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहते हो, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता है, टास्क कंप्लीट करने के आप नजदीक पहुंच जाते हो। कुछ ना कुछ करते रहने के वजह से आप मोटिवेटेड रहते हो, टास्क कंप्लीशन की तरफ प्रोग्रेस करते रहते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। दिस इज़ अदिति साइनिंग ऑफ। बाय बाय।